हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट स्पेक्ट्रम। दिवाली आने वाली है और आज मैं कुछ फेस्टिव टी लाइट होल्डर बनाने वाली हूँ। आज मैंने 5 पेयर टी लाइट होल्डर बनाए हैं जो सभी एक दूसरे से अलग हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। पहले टी लाइट होल्डर के लिए मैंने ज्वेलरी का ये बॉक्स लिया है जो मेरे पास ऐसे ही रखे थे। इसको मैंने कट कर लिया है और अंदर में कुछ कार्डबोर्ड फिल कर लिया है। सेंटर में मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया है जो टी लाइट होल्डर के शेप का है और उसे कट करके मास्किंग टेप लगा दिया है। फिर इसे अंदर की तरफ आप चिपका दें। साइड से मैंने टिश्यू पेपर लिया है और उसे फेविकॉल और वाटर मिक्स करके उसे अच्छी तरह से स्टिक कर लिया है। उसके बाद एक कोट मैंने वाटर और पुट्टी का पेस्ट लगाया है। ड्राई होने के बाद इसे अच्छी तरह से सैंडिंग की है और फिर वाइट एक्रिलिक पेंट से पेंट कर लिया है। फिर मैंने ब्लू पॉटरी से इंस्पायर्ड कुछ डिजाइंस ड्रॉ कर लिए हैं। ये डिजाइंस मैंने साइड में और टॉप में दोनों साइड ड्रॉ किए हैं। जो भी डिजाइन है उसके अंदर आप पेंट ना करें और बाहर के साइड पेंट करें। यहाँ मैंने स्काई ब्लू कलर से बाहर के साइड पेंट कर लिया है और अंदर के डिजाइन में आप व्हाइट एक्रिलिक पेंट से पेंट कर लें। फिर इन सारी डिजाइन को ब्लैक पेंट से ट्रेस कर लें जिससे कि वो डिजाइन अच्छे से हाईलाइट होगा। इसके लिए आप ब्लैक मार्कर का भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने दूसरा पेयर बनाया है। इसमें कुछ अलग डिजाइन ड्रॉ किए हैं। इसमें बाहर के साइड मैंने चॉक कलर का यूज किया है जिसमें लेमन शिफॉन कलर यूज किया है जिसे मैंने इट्सी बिट्सी से लिया था। फिर उसी तरह से आप ब्लैक कलर से डिजाइन को ट्रेस कर लें। जब ये पेंट अच्छे से ड्राई हो जाए तो आप इस पर वार्निश जरूर से अप्लाई करें और इस तरह से हमारा ये टी लाइट होल्डर रेडी हो जाता है। ये काफी स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ मैंने टी लाइट लिया है और उसके चारों तरफ से लेस लगा दिया है जिससे कि ये बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। और देखिए हमारा ये टी लाइट होल्डर रेडी है। अब चलते हैं हम लोग दूसरे DIY की तरफ, जिसके लिए मैंने MDF का टी लाइट होल्डर लिया है और बेस पे मैंने वाइट जेसो अप्लाई किया था। उसके बाद मैंने डार्क ब्लू कलर का यूज किया है जिसे स्पॉन्ज की हेल्प से अच्छी तरह से लगा लें। यहाँ पॉइंट मार्क करने के लिए मैंने सेम साइज का सर्कल ड्रॉ किया है और उसे 8 पार्ट में डिवाइड करके पॉइंट मार्क कर लें। यहाँ मैंने सारे पेस्टल शेड्स यूज किए हैं जो कि फेविक्रिल के हैं, जिसमें पेल पिंक, लैवेंडर पर्पल, सॉफ्ट पीच, एक्वा ब्लू, मिंट ग्रीन और बटरकप येलो कलर का यूज किया है मैंने। ये डार्क ब्लू के ऊपर सारे शेड्स बहुत ही अच्छे दिखते हैं। डॉट पेंटिंग करने के लिए अगर आपके पास टूल ना हो तो आप टूथपिक या ब्रश के पिछले वाले हिस्से से डॉटिंग कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल डिजाइन है जो इस पे मैंने ड्रॉ किए हैं। इसे भी जब अच्छी तरह से ड्राई हो जाए तब इस पर वार्निश जरूर से अप्लाई करें जिससे कि ये सारे पेंट पील ऑफ नहीं होंगे और ये टी लाइट होल्डर रेडी हो जाता है। अब चलते हैं हम लोग थर्ड टी लाइट होल्डर की तरफ, जिसके लिए मैंने 2 कोस्टर फ्लावर शेप के लिए हैं और उसका सेंटर में एक सर्कल ड्रॉ किया है। फिर यहाँ मैंने मोल्डेड क्ले लिया है और उसे अच्छी तरह से रोल आउट किया है और फ्लावर शेप में इसे अच्छे से फेविकॉल की हेल्प से स्टिक कर लें। जब ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाए तब इस पर मैंने प्रिसीजन नाइफ से कुछ डिजाइंस बनाए हैं और उसके बाद डॉटिंग टूल से भी अंदर की तरफ डिजाइंस बनाए हैं। आप इसकी जगह टूथपिक का भी यूज कर सकते हैं।
बेस के लिए मैंने दो कलर का यूज़ किया है, एक में मैंने रेड और दूसरे में येलो का यूज़ किया है। फिर मैंने कुछ क्राफ्ट मिरर लिए हैं, जिसे आप फेविकॉल या फिर फैब्रिक ग्लू की हेल्प से स्टिक कर लें। क्ले के ऊपर मैंने गोल्डन कलर से पेंट किया है और इस तरह से हमारा ये वाला भी टी लाइट होल्डर रेडी हो जाता है। लास्ट में मैंने 3D आउटलाइनर से कुछ डॉट्स बनाए हैं। रेड वाले में येलो डॉट्स बनाए हैं और येलो वालों में रेड। अब चलते हैं हम लोग फोर्थ टी लाइट होल्डर की तरफ। ये बहुत ही आसान है बनाना। इसके लिए मैंने एक कार्डबोर्ड लिया है, जिसे 4 इंच के सर्कल में कट कर लिया है। फिर टी लाइट को मैंने सेंटर की तरफ स्टिक कर लिया है और कुछ पर्ल्स को उसके अराउंड स्टिक किया है। यहाँ पे मेरे पास कुछ फ्लावर्स थे, जिसे ग्लू गन की हेल्प से मैंने स्टिक कर लिया है और इस तरह से हमारा ये टी लाइट होल्डर बस कुछ मिनटों में रेडी हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं लास्ट टी लाइट होल्डर की तरफ, जिसे मैंने रेजिन से बनाया है और यहाँ मैंने किसी भी मोल्ड का यूज़ नहीं किया है। यहाँ मैंने दो ढक्कन लिए हैं, जो कि पैकिंग वाले डब्बे होते हैं उनसे लिया है। बीच में मैंने क्लियर रेजिन डाला है और साइड में मैंने गोल्ड कलर मिक्स करके डाला है। दूसरे वाले के लिए मैंने साइड में फ्लेमिंगो अल्कोहल इंक का यूज़ किया है, जो कि रेजिन में मैंने मिक्स किया था। उसके ऊपर वाइट कलर डाला और सेंटर में क्लियर रेजिन, अगेन फ्लेमिंगो कलर डाला है और फिर वाइट, और बीच में कुछ गोल्ड फ्लेक्स डाले हैं, और दूसरे वाले में गोल्ड बेस के ऊपर वाइट कलर डाला है, उसके बाद अगेन गोल्ड कलर और फिर से वाइट कलर का थिन लेयर डाले। साइड में मैंने कुछ गोल्ड पाउडर थे वो स्प्रिंकल किए हैं। यहाँ सेंटर में अगेन मैंने वाइट कलर डाला है और उसके ऊपर गोल्ड कलर। इसे एक दिन तक कंप्लीटली ड्राई होने दें, उसके बाद इसे निकालने की कोशिश करें। इसे निकालते वक्त ढक्कन टूट गया था, पर ये आसानी से निकल गया। दूसरे वाले में मैंने कुछ मोती भी डाले थे, जो कि आपको दिख रहे होंगे। साइड से सैंडिंग कर ले, जिससे कि शार्प एज ना रहे। फिर साइड में मैंने गोल्ड कलर से पेंट कर दिया है और इस तरह से हमारा ये टी लाइट होल्डर रेडी हो जाता है, जिसे आप दोनों साइड से यूज कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये सारे टी लाइट होल्डर पसंद आए होंगे और आप इस फेस्टिव सीजन जरूर बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।